हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की डेट में एक वीडियो डल चुकी है एस बी देखिए ये इसका जो चार्ट पैटर्न है एवरी मंथ 15 से 20 एवरी क्वार्टर सॉरी यहाँ पर 15 से 20 परसेंट का मूव रहता है अगर कोई भी फायदा उठा सके ना तो यहाँ पर उठा सकता है और पैंतालीस से साठ के रिटर्न ईयरली यहाँ पर कमा सकता है नो no डाउट अब बात करते हैं यहाँ पर आज की डेट की आज की डेट में अगर हम देखें तो हम बात करेंगे देखिए एक पर्टिकुलर स्टॉक एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड तो यहाँ पर अगर देखिए जैसे शेयर आया था पहले यहाँ पर भागा और

ज्यादा आपकी सर्विसेज यहां पर आपको प्रोवाइड कर सके अपनी और यहां पर अगर हम बात करें कल की रिलेटेड को well अगर, को uh, uh, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी यहां पर वैल्यू एडेड सर्विसेज ले सकते हैं ओके okay, यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम रेट में फाइव हंड्रेड टू टू थाउजेंड के बीच में यहां पर आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो की तरह चलते हैं और जानते हैं पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड और जानते हैं पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड एपटेस पहले तो हम एपटेस्ट के बारे में जान लेते हैं एपटेस एक्जेक्टली exactly है क्या तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो लोन फॉर सेल्फ विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स ओके पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देता है लोन देता, देता, देता हुआ नजर आता है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउस ऑफ देयर ओन मतलब यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारियों बड़े बड़े लोगों को नहीं यहाँ पर जिनकी कम इनकम होती है okay? के, जिनके इतने ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं होते ज़्यादा अर्निंग नहीं करते, तो उनकी भी हेल्प करके क्योंकि घर तो देखिए हर, हर तो अगर हम यहां पर बात करें हर किसी को यहां पर घर हो तो यहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है भारत की इकोनॉमी पर जोर दिया जा रहा है और धीरे 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 अगर बात करें हर इनकम भी बढ़ाई जा रही है तो इसमें यहां पर हाउसिंग हाउसिंग लोन और हाउसिंग जिनके पास क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास घर स्टाइल अभी भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ऐसी कुछ सर्विस यहाँ पर कुछ अगर बात करें एन हो गई या ऐसे फाइनेंस फाइनेंस हो गए जो आपको अच्छे खासे यहाँ पर कम रेट पे अगर आपकी इनकम भी कम है तब भी यहाँ आपका लोन प्रोवाइड करते हैं तो एप्टस वन ऑफ दैम तो पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडेबल वेलफेयर इनकम इं, डॉक्यूमेंट पे आपको ये मिल जाता है क्योंकि अप्रूवल ट्रांसपेरेंट लोन प्रोसेस पूरा पूरा का ट्रांसपेरेंट रहता है कोई भी पर दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर इस कंपनी के बारे में पर देख सकते हैं चार स्टेट्स में ये दिखाई वन एटी वन की ब्रांचेज है एम्प्लॉयज की बात करें लगभग एटीन फोर्टी फोर और यहाँ पर देखिए तो रु, रुपीज फाइव फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन सेवनटी मिलियनिव डिसमेंट यहाँ पर कर चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर इतना मिलियन लोन बुक है यहां पर और यहां पर ए प्लस स्टेबल क्रेडिट रेटिंग भी है तो रेटिंग भी यहां पर अच्छी खासी दे रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसी को अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना है तो वो आपको दे, इंश्योरेंस यहाँ पर देती हुई नजर आती है इंश्योरेंस पर, अगर बात करें, यहाँ पर, है, यहाँ पर देती हुई नजर आती है हुँ हुँ तरीके से आप कह सकते हैं फोर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मतलब यहाँ पर पूरे साउथ रीजन को इसने एक तरीके से घेर रखा है और यहाँ पर आप

इसके अलावा हम बात करते हैं एपटस हाउसिंग फाइनेंस के यहाँ पर कुछ फाइनेंस देखिए बिजनेस मॉडल सबसे पहले आता है उसके बाद आता है यहाँ पर फाइनेंस जैसे हम क्या कहते हैं फंडामेंटल स्टडी में लिया जाता है अगर बात करें मार्केट कैप तो देखिये मिड मिड कैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है पंद्रह हजार दो सौ चौरासी करोड़ रुपए का आ, पी रेशो महंगा दिखाई दे रहा है बट पी यहाँ पर पी को यहाँ पर देखना बंद करिए ओके अच्छी चीज आपको महंगी मिलेगी आर ओ सी आर ओ ही की बात करें बारह परसेंट का है और यहाँ पर फाइनेंस की जितनी भी है उनका कमी रहता है तो इस चीज को भी याद रखिएगा डेट की बात करें तो ऑब्वियसली बात का लोन का काम है तो यहाँ पर डेट को भी देखने की जरूरत नहीं है प्लेजिंग यहाँ पर कुछ नहीं है ओके एज वेल एज यहाँ पर देखे तो यहाँ पर दो का फेस वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू देखिए यहाँ पर थ्री थी, के आसपास है और उसके नीचे यहाँ पर ये यह शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गिरावट नजर आ रही है जब से शेयर आया है पांच साल की यहाँ पर सीएजीआर देखेंगे तो पैसठ परसेंट की अगर यहाँ पर पैसठ परसेंट की सीएजीआर बीस साल तक मिलती रहे ना और आपने दस लाख रुपए लगा दिया तो एक हजार करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर पैसा कमाएंगे इस चीज को याद रखिएगा अभी रिजल्ट आए नहीं है अभी लिस्टेड होती हुई दिखाई दी है कंपनी तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दे रखे ओके okay, बट अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड लॉन यहाँ पर सेल्स की बात करें सेवेंटी एट करो फिर वन ट्वेंटी सिक्स वन नाइनटी नाइन थ्री जीरो फोर फोर थर्टी फाइव और फाइव थर्टी फाइव तो अगर बात करें देखिए ऐसा नहीं है कि पैंडमिक में ही यहाँ पर कंपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी चल रही है तो यहाँ पर तब यहाँ पर काम किया है यहाँ पैंडमिक से भी पहले इस कंपनी ने यहाँ पर काम किया और अपने आप को प्रूव किया है कि पाँच साल के अंदर अंदर कंपनी ने लगभग लगभग अपने आप को टेन टाइम्स के लगभग ही यहाँ पर या टेन टाइम्स ही सेवन टू एट टाइम्स यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आई है

हुए शेयर कैपिटल 95 करोड़ की है बोरिंग है यहाँ पर चेक करेंगे नहीं। बात है जितना बोरिंग देंगे उतना इंटरेस्ट आएगा जितना इंटरेस्ट आएगा उतना इनकी सेल्स बढ़ेगी और यहाँ पर पैसा इनका बनता हुआ नजर आएगा इसके अलावा बात करें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ, और भी कैश की तो यहाँ पर देखिए कंपनी के पास चार सौ अड़तीस करोड़ रुपए का कैश भी है ये तो है कंसोलीट स्टैंड लोन भी देखिए तो यहाँ पर स्टैंड लोन की भी बैलेंस शीट काफी बेहतरीन है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है जो कि यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं रेशो की तो यहाँ पर देखिये 14, 14, फोर्टीन यहाँ पर परसेंट के आसपास मतलब 14 से यहाँ पर 12 परसेंट के आसपास की आर ओसी के साथ कंपनी काम कर रही है काफी अच्छी बात है इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम देखें प्रमोटर्स के पास 25 परसेंट के शेयर है इसके अलावा इनके फॉरेन प्रमोटर्स देखें तो 37, सेवन प्लस 25 अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग यहाँ, यहाँ, है है। well है, तो यहाँ पर 62 टू परसेंट सिक्सटी परसेंट के आसपास यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है जिसमें प्रमोटर्स और फॉरेन प्रमोटर है एज वेल एज बात करते हैं फॉरन इंस्टीट्यूट की तो एक्स्ट्रा यहाँ पर छह की हिस्सेदारी है नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड पॉइंट फाइव पर अगर बात करें यहाँ पर अदर्स की तो टू और जनरल पब्लिक के यहाँ पर एट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या डी की बात करें तो लगभग ट्वेंटी

के ऊपर भी गया था और उसके बाद से यहाँ पर गिरावट ही है और हम अगर गिरावट की बात करें तो कितनी गिरावट हो चुकी है एक बार हम यहाँ पर से देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि कितनी गिरावट एग्जैक्टली exactly यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर में होती हुई हमें नजर आई है तो अभी अगर हम देखें तो लगभग वही आप समझ सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट है और कार ट्रेड में भी देखिए इसी तरीके से 20% से 24% तक की गिरावट है हो चुकी थी अगर मैं यहां पर आपको सपोर्ट लेवल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए सबसे बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट लेवल तो ये है जो इसने अभी ये जब ये गिरा था ओके यहाँ पर लोअर सर्किट लगाने की कोशिश करी है सेवेंटी एट टू सेवेंटी के अगर नीचे जाता है तो यहां पर एक बार आपको सोचना पड़ेगा पर अगर ये देखिए इसके फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है कंपनी का आए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है ओके okay, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो एक महीना ही इस कंपनी को होता हुआ नजर आया है और अगर हम यहाँ पर अभी देखते हैं तो यहाँ पर ये जो RSI है ये है 28 की RSI 28 की RSI का मतलब क्या है 28 की RSI का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर आप यहां पर बाय ऑन डिप्स करके याद रखिएगा एक साथ ही पैसा यहां पर नहीं लगाना होता डिप्स करके, अगर यह किसी ने यहाँ पर ना तो शुरू हो जाए अच्छी खासी है तो यहां पर देखिए आप यहाँ पर पहली किस्त यहाँ पर लगा सकते हैं मतलब यहां पर पहला बाय ऑन डिप्स यहाँ पर कर सकते किसी ने दस शेयर यहां खरीदे तो कोई यहाँ पर दो शेयर खरीद सकता है और थोड़ा गिरावट होती है तो यहां पर और दो शेयर खरीद सकता है हर पांच परसेंट या दस की एक गिरावट एक परसेंटेज लेके हमेशा चलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको खरीदने होते हैं शेयर चीज को याद रखिए बट रिस्क यहां पर हमेशा इन्वॉल्व रहता है अगर आप सोचेंगे इन्फोसिस ले लूंगा उसमें रिस्क नहीं रहेगा उसमें भी रिस्क रहेगा टीसीएस तो ले लूंगा उसमें रिस्क नहीं रहेगा उसमें भी रहेगा रिलायंस ले लूंगा उसमें भी रिस्क रहेगा तो कितने भी बेहतरीन शेयर लीजिए किसी ने भी आप छोटे शेयर लीजिए कितने ही मिडिल कैप के लीजिए आपको रिस्क हमेशा दिखाई देगा क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है बट स्टिल यहां पर हमें रिस्क लेके साथ साथ बहुत सारी चीज अगर हम देखते हैं पढ़ते हैं सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं यहाँ पर देखिए

प्रॉपर्टी के शेयर भाग रहे हैं, तो बात है ये शेयर भी कभी भी यहां पर मूव करना शुरू करेंगे और एक अच्छा खासा रैली यहां पर दिखा के आपको बेहतरीन पर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी न्यू लिस्टिंग कंपनी होती है आप देखिए उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो कम से कम पांच से छह महीने उन्हें लगते हैं मूव करने के लिए और एक बार जब वो मूव करना शुरू करती है तो काफी सारी कंपनी ऐसी भी है कि जिन्होंने आपके पैसे को तीन गुना कर दिया किसी ने दो गुना कर दिया किसी ने फिफ्टी के रिटर्न दिए बट एटलीस्ट उन्होंने रिटर्न दिए नेगेटिव में कोई नहीं रहा एक आध कंपनी नेगेटिव में रही होगी तो उसके फाइनेंशियल कुछ होंगे नहीं बट तो जब भी उनमें बाइंग आएगी तब तो दोबारा शुरू क्योंकि बाइंग आपके और मेरे कहने से शेयर नहीं भागेगा आपके और मेरे कहने से केवल हम यहाँ पर खरीद सकते हैं और सिंपली ये भागेगा तब कि हम यहाँ पर ऑपरेटर एज वेल एज बड़े बड़े लोग यहाँ पर खरीदना शुरू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये शेयर यहाँ पर एक अच्छे खासा सपोर्ट ले लिया है यहाँ पर और कभी भी इसके बीच में यहाँ पर शेयर मिले तो आप खरीद सकते हैं पर 28 का आर और आई इतना कम होना मतलब यहाँ पर ओवर हो गिर गया और जब यहाँ पर ओवर हो गया तो यहाँ पर खरीददारी करना शुरू कर देना चाहिए सिंपल सी बात है तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है हमसे कॉन्टेक्ट करना है कोई सर्विसेज यहाँ पर लेनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो यहाँ पर आप टैक्ट कर सकते हैं बाकी इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस